हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं तो इंतजाम भाई के फार्म पर। हमें दिखी ये टर्की, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों ने पहले भी शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, कमेंट में एक बार जरूर बताइए। कमेंट करके देखिए कितने प्यारे लगते हैं, बिल्कुल सारस की तरह लग रहे हैं हमको देखने में। इनको देखकर जैसे ही देखा हमने वैसे अपनी गाड़ी रोक दी, सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखाया जाए। और पीछे गौ माता जी हैं और टर्की देखिए, एक वो निकल रहा है छोटा सा, ये व्हाइट कलर वाला, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये गाय का बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, सबसे बड़ा, सबसे एजेंट भाई है यहाँ, सबसे उम्रदार है, अभी छोटा सा है ये। और फिर काफी देर तक वहाँ थे, अब अगली बार जब आएंगे तो बढ़िया से वीडियो बना के एक आप लोगों को दिखाएंगे, कैसे पाले जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं, कैसे साथ में ये भी खाना खा लेते हैं जैसे हमारा सारस खाना खाता था साथ में। वैसे ये भी, ये देखिए व्हाइट वाला किस तरह देख कर हमको कर रहा है, ये देखिए बोल रहा है किस तरह, हलक सू जाते बोलत बोलत उनके, वो ढोल बजाओ तो माऊ कोनो कोनो घम घम बोले थे पूरा। आ जाओ नाच मेरी बुलबुल। दोस्तों देखिए सफेद रंग वाला टर्की और ये कलरफुल बिल्कुल एक है ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, कितने प्यारे लग रहे हैं, मोर जैसे पंख फैलाए हुए हैं। सुबह सुबह ये भी अपनी मस्ती में थे, तब तक हम पहुंच गए। ये देखिए इतिसाम भाई भी अपना ब्लॉग यहाँ शूट कर रहे थे, जो इतिसाम भाई का चैनल भी है वो अपने चैनल पर डालते हैं, कुछ फार्म करके है, अब इसका जो है लिंक हम दे देंगे आप लोगों को। और ये देखिए टर्की किस तरह है, कैसे पाला जाता है, कैसे नहीं, आप एक बार जो जिसको भी भाई पालना हो एहतिसाम भाई से संपर्क कर ले।